मैं सुखविंदर सिंह सुखू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हिमाचल प्रदेश में एक साल पहले कांग्रेस सरकार बनी और जनता के वारे न्यारे हो गए। गरीब किसान महिला युवा सबकी बल्ले बल्ले। एक साल पहले कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश में खुशहाली का अध्याय आरंभ हुआ था। बीते एक साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता की भलाई के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सुक्खू जी ने पहली कैबिनेट में OPS लागू कर कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सौगात देने का काम किया। हिमाचल कांग्रेस सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी व ई बस की खरीद पर गारंटी रहित लोन पर 50% की सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी के लिए 680 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी शानदार कदम बढ़ाया। इसी के तहत हिमाचल कांग्रेस सरकार ने पुलिस भर्ती में 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। जो बच्चा है अनाथ उसके साथ कांग्रेस का हाथ। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों के लिए 4000 प्रति माह का भत्ता लाकर अनाथ बच्चों को आर्थिक संबल दिया है। आर्थिक संबल की ये राशि अनाथ बच्चों को 27 साल की उम्र तक मिलती रहेगी। कांग्रेस का हाथ बदल रहा है हिमाचल के हालात। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मात्र एक साल के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन कर दिखा दिया है कि जब नेक हो इरादे तब पूरे होते हैं वादे। इतना ही नहीं, जब प्रदेश भयावह बाढ़ से गुजरा तब सुक्खू जी ने एक लीडर की तरह आपदा का सामना किया, सुनिश्चित किया कि ज्यादा जान माल की हानि ना हो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार साबित हो रही है सुख की सरकार। एक साल रहा है बेमिसाल, कांग्रेस ने हिमाचल के बदले हैं हाल। हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा कांग्रेस के साथ जारी है।